रातारा इंटरनेट रे सेंसेशन पालिथिबा प्रदीप मेहर सीधा सड़क तांको सहित कथा हबा नोएडा सेक्टर 16 मैकडोनल्ड से काम करती राति काम कलापर पाखापाखि 10 किलोमीटर से दौड़ी जाती। प्रदीप, जिस दिन पहले आपका वीडियो शूट किए थे उसके बाद लगातार आपको बेस्ट विशेष आ रहा है, नोएडा प्रशासन की तरफ से आपको सहायता के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे? हाँ, सभी हाथ तो बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन हर कोई यही बोल रहा है, मदद कर ही रहा है, मदद करने का आश्वासन दे ही रहे हैं हर कोई। मम्मी का दिक्कत था आपका हॉस्पिटल में, हॉस्पिटलाइज है, उनके लिए भी नोएडा प्रशासन ने बोले करें? हाँ, वो बोला है। आपका चेहरा में अभी आलसी आलसी नज़र आ रहा है, रात को सोए नहीं थे क्या, थकान लग महसूस हो रहा है? हाँ बिल्कुल, दो तीन दिन से सोया नहीं हूँ अभी अच्छे ढंग से। अच्छा, यहाँ से कितने बजे तक फ्री होते हो? यहाँ से 9:30 या जिस हिसाब से शिफ्ट लगती है ऐसे 9:30 बजे फ्री हो जाता हूँ ऐसे। अच्छा, फिर रात में दौड़ लगा के? कितना टाइम लगता है यहाँ से घर पहुँचने में? आधा घंटा। फिर डेली रूटीन कैसे होता है, दिन से रात तक कैसे डेली रूटीन होता है आपका, थोड़ा बताओ। मैं सुबह जैसे उठा, नाश्ता वास्ता खाना वाना बनाया बुनू के, यही 8-9 बजे तक उठता हूँ, क्योंकि रात को लेट सोता हूँ तो भाई के आने तक का वेट करता हूँ। तो उसके बाद खा पी के खाना वाना बना बुनू के आराम से, भाई को बता के मैं निकल रहा हूँ ड्यूटी को करके, 1 बजे मैं ड्यूटी को आ जाता हूँ। फिर रात को 9:30 बजे जब मुझे छुट्टी होती है तो फिर मैं उसके बाद दौड़ लगा के घर को जाता हूँ 10 बजे। घर पे कितने बजे तक पहुँच जाते हो? 10:30 बजे पहुँच जाता हूँ मैं, और 1-1.5 घंटा का जो होता है मेरा एक्सरसाइज होता है, उसके बाद मैं खाना वाना बना लेता हूँ। फिर सुबह का जो रूटीन है, जैसे कि आप बोले 8-9 बजे तक उठ जाते हो, फिर यहाँ पे कितने बजे तक आते हो ड्यूटी, यहाँ पे कितने बजे तक है आपका? मैं 1 बजे ड्यूटी आता हूँ, 9:30 बजे मुझे रात को छुट्टी होती है। उत्तराखंड, जैसे कि आपका जो घर है उत्तराखंड से है, पावड़ी से CDS जो विपिन रावत है उनका घर भी वहीं से है, अजीत डुभाल का घर वहीं से, ये क्या मोटिवेट करता है सारे उत्तराखंड पहाड़ी वालों को कि डिफेंस में ही जाना है? हाँ, इन लोगों से भी हम बहुत वो होते हैं कि यार हमारे उत्तराखंड से इतने बड़े बड़े अफसर उसमें हैं तो हम भी होने चाहिए, या फिर मुझे तो खैर बचपन से ही आर्मी में जाने का शौक था, तो बस वही। कहाँ तक आप पढ़ाई की हो, क्या पढ़ाई की हो आप? 12th पास मैंने अभी किया है। अच्छा, क्या उत्तराखंड से या दिल्ली से? उत्तराखंड से। घर में जैसे कि बताए, आपका बड़ा भाई है, मम्मी है, और कौन कौन है घर पे? बस एक पापा, बड़ा भाई, मैं और मम्मी। पापा क्या करते हैं? पापा घर पे ही हैं। कमाई सिर्फ आप दोनों भाई करते हो? हाँ। अच्छा, मम्मी को क्या दिक्कत है? क्या मम्मी को? टीबी, लीवर में आंतों में सूजन, खून में इन्फेक्शन। अभी जो आप डिफेंस की बात किए, अभी और भी तो आप बहुत सारे कुछ कर सकते हो, क्योंकि मैकडोनल्ड से आप काम करते हो, वहाँ पे भी कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, डिफेंस क्यों, और भी तो बहुत सारे सेक्टर हैं आपके लिए। नहीं, वो मेरा बचपन का शौक है तो उसको कैसे छोड़ सकता हूँ। अच्छा, जैसे कि आप दौड़ लगाते हो 10 किलोमीटर, और उसके अलावा और क्या क्या करते हो डिफेंस जाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे कसरत करना, जैसे हाई जंप, लॉन्ग जंप, बहुत सारे ट्रेनिंग लेना पड़ता है। हाई जंप, लॉन्ग जंप ये घर पर तो होता नहीं है, तो नॉर्मली जो एक्सरसाइज होती है वो मैं घर पे करता हूँ। अभी इंटरव्यू दिए हो डिफेंस के लिए? अभी तो दिया नहीं। अच्छा, दिए नहीं। कितना उम्र हो गया आपको अभी? 19 साल। हाँ, जैसे कि पूर्वतन जो मेजर है वो बोले हैं कि उनको हम सपोर्ट करेंगे, तो वो कितना मोटिवेट किया है आपको? मोटिवेट तो सभी कर रहे हैं अभी। अच्छा, डिफेंस का बंदा कोई बात किए हैं अभी तक आप? हाँ, काफ़ी लोग कर चुके हैं। अच्छा, आपण शुणुले प्रदीप मेहर आम सहित थे, निश्चित भाव से मोटेट होती उत्तराखंड अनेक बड़ बड़ अफिसर अलरेडी डिफेन्स अच्छा, तेणु सी तर पाटी दिन ही एमती गोटे स्वप्न था जे सी डिफेन्स जीवे, मात्र 19 वर्ष बयस प्रयास आरंभ कर बर्तमान अनेक सहायतार हाथ ताकू आसूरी, आम चाहू प्रदीप जो एम्रे सफल हूँ। नुआ दिल्ली कैमेरा पर्सन आदित्य सहित गगन अर्गस न्यूज़।